आप सर्वाइवल इवॉल्व मोबाइल। और गाइस आज हम लोग टेम करने वाले डोडी क्रस को, जैसे कि आप सबको पता है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, डोडी क्रस को टेम करने वाले। और गाइस मैं अपने पेंट्राडोन की सैडल भी आज बना होगा। और गाइस हम लोग आज हवा में उड़ेंगे, हवा में। और गाइस देखो, मैंने जो मतलब लास्ट टाइम के मैंने एक पेंट्राडोन पकड़ा था गाइस, वो मेरा मर गया। और गाइज उसके बाद मैंने उसकी सैडल बनाई थी और मैं गया था इसे हवा में उड़ने के लिए, लेकिन गाइज वो मर गया। और गाइज मेरे दूसरा भी पेंट्राडोन पकड़ा, लेकिन वो भी मर गया। और गाइज उसके बाद मैंने पकड़ा एक 90 लेवल वाला और एक 30 लेवल वाला। तो 90 लेवल वाला गाइज 97 का हो गया, और गाइज जो 30 लेवल वाला है वो 37 लेवल का हो गया। और गाइज जो इनके सैडल्स के लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने इकट्ठा किए थे वो सब गाइज इसमें मैंने रख दिए है। देखो ये सब हो गए इकट्ठा। और गाइज इससे हम लोग बनाएंगे उसकी सैडल, क्या क्या लगेगा उसके लिए। और गाइज हम लोगों को सिर्फ हाइट चाहिए, जो कि हमारे पास 283। और गाइज ये हमारी सैडल पेंट्राडोन की बन रही है। और गाइज मैं जाने वाला हूँ 97 वाले के ऊपर से, जिसको गाइज मैंने, ओ गई हमारी लेवल भी बढ़ गई है। और गाइज हमारी लेवल अब देख ही रही होगी। और गाइज मैंने ले लिया है अपना एक पास जाना, मेरे उसका नाम रहता है ना उसको, कुछ क्या रहता है उसका नाम। और गाइज उससे मेरे को ये मिला है, पास ले लिया है मैंने, रॉयल पास, बेल पास, जो भी है। और उससे गाइज मेरे को ये फ्री में मिल रहा है। ये गाइज मैंने अब तक ओपन नहीं किया, क्योंकि गाइज ये मैं आपको ऑन वीडियो बताना चाहता था कि ये ओपन करके हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो मेरे को भी नहीं पता। तो गाइज ये देखो गाइज हम लोगों को मिला 3 इंच डेम्बर, ब्लू प्रिंट मिला जर्नीमैन फिशिंग रॉड का, असेंडेंट इचिटियस और सैडल, जायंट हनी बी और एलेगांटो बेंच। अच्छा, और गाइज ये आर्क टाइप में, ये रुकी ये रही तो जा रही नहीं चाहिए। हाँ ये आर्क टाइप में गाइज मैंने ये इतने सब ले लिए है इकट्ठा। और गाइज मैं दिखाता हूँ आप सबको, रुको इधर है, हाँ क्राफ्टिंग में गाइज ये सब मैंने ले ली है आर्क टाइप्स के। और गाइज ये रही मेरी ब्लेगलाडोन की जो सैडल है हो, ब्लू प्रिंट गाइज मेरे को मिल चुका है इसका, और एक चित्तियस और इसकी एसेंडेंट सैडल है गाइज हमारे पास अभी हम लोगों को मिली। और गाइज हम लोग ओपन कर लेते हैं फ्री गिफ्ट, जो कि हमारा बहुत यूजफुल है। और ये क्या साइल कुछ अटैचमेंट है गाइज, पता नहीं। और गाइज ये सब तो हम लोग डाल देते हैं। और गाइज देखो मैंने हाइट भी बना लिए, मतलब हाइट के कपड़े थोड़े से ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए मैंने। ये सब डाल देते गाइज हम लोग अंदर, इसका तो स्टोरेज ही बढ़िया है। इस मिट्टी में डाल देते गाइज ये सब, कोई नहीं कोई नहीं, ये सब भी डाल और ये सब भी डाल। और गाइज हम लोगों को हाइड के और थोड़ी से मतलब हेड का नहीं बनाया गाइज हम लोगों ने, सिर्फ इतना ही बनाया है, जो हमारा चेस्ट प्लेट है वो बनाया, शूज़ है वो बनाया, और हमारे ग्लव्स है वो बनाए। और गाइज मेरे को हेड बनाने का है, ये बहुत ईजी है गाइज, ये तो ऐसे ही बन लेंगे हम लोग। सिर्फ मेरे को फाइबर चाहिए, फाइबर देना यार। और मेरे को चाहिए हाइड, चलो अब ये बन जाएगी गाइज, ये बना लेता हूँ और एक ये बना लेता हूँ, चलो। और गाइज और कुछ तो नहीं चाहिए, और हाँ ये चाहिए मेरे को पानी पीने के लिए लगता है गाइज ये, चलो कोई नहीं रिपेयर कर लो। ताकि इसका कुछ नहीं है गाइज, तो हम लोग यहाँ पे पहन लेते हैं हमारे सर पे। और गाइज हमारा मतलब अभी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, कर ले। हाँ गाइज हो गया हमारा एक कंप्लीट। तो गाइज ये रहा हमारा 97 लेवल वाला, जिसको गाइज मैंने सैडल पहना लिए, और ये हमारा 37 लेवल वाला, जिसको मैंने अब तक सैडल ले पहना है। तो गाइज मैं ये सैडल पहना देता हूँ। तो गाइज ये सब इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कैरेटीन बेरेटीन वो सब लगते। और गाइज आज हम लोग डोडी क्रस को तो टेम करके ही रहेंगे। और गाइज मेरे पास 29 रैंक एरोज भी है। तो गाइज सबसे पहले तो यार खाने का जुगाड़ करके जाते, इधर खाना पीना सब कुछ जुगाड़ करके जाते। और गाइज बर्फ़ में जाएगी ना तो हम लोगों को बहुत ठंड लगने वाली है। तो गाइज इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे पास जो एम्बर्स है ना, उनसे गाइज मैं अपने लिए एक थिक स्किन खरीद लूँगा। हाँ इसमें रहती है, और ये देखो 20 एम्बर की मिलती है, मैं अभी ये कलेक्ट कर ले लेता हूँ। और गाइज जैसे कि आप सब ने देख लिया होगा कि मैंने एक थिक स्किन खरीद ली है, और ये क्या है, गुड की पोटर हीटर स्लोली। और जरा आगे जाता हूँ, फिल नहीं हो सकता, क्या हो गया इसको,
चलो कोई नहीं, हम लोग आई फिर चले जाएंगे। अरे 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 अरे। और हाँ गाइस, मैं आपको एक और मज़ेदार बात बता देता हूँ कि गाइस, पिछली बार जब मैंने कार्बोनीमियस को मारा, मैं जब ये क्या बोलते पेंटाडोन के सैडल के इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर रहा था, मैं अपने लियोंगेडोंग के साथ गया, बहुत सारे कार्बोनीमियस को मारा, चिटन भी हासिल की बहुत सारे। और गाइस फिर मेरे को एक ज़बरदस्त चीज़ मिली है जो है गाइस ये मेटल स्पाइक। और गाइस ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है मेटल स्पाइक। और गाइस देखो मेरे पास एरोज भी बहुत सारे अभी, क्योंकि गाइस मैंने अब सब ये ले लिया। और गाइस ये जो थिक स्किन है, इसका जो काम क्या है कि गाइस हम लोग कौन सी भी ठंडी में जाए तो ये कुछ भी नहीं होता गाइस हम लोगों को। और गाइस मैंने इधर एक डोडी क्रश देखा था, पता नहीं अच्छे खासे लेवल का था, क्राइसरोट्रॉप भी अच्छे खासे लेवल का मिला, तो गाइस मैं उसको टेम कर लूँगा। और गाइस जो डोडी क्रश है ना, अरे देखो बिच्छू, इसके लिए गाइस स्पॉइलमेंट लगता है टेम होने के लिए इसको, को गाइस इधर किधर तो रहेगा वो डोडी क्रश, इधर ही रहेगा, मैंने इधर ही देखा था उसको। तो गाइस जैसे वो मिलता है मेरे को, मैं आप सबको अभी बुलाता हूँ, जैसे मिलेगा मैं आप। तो गाइस ये रहा वो डोडी क्रश, और गाइस अच्छे खासे लेवल का है ये भी, 47 लेवल का है। तो गाइस मैं अभी इसको टेम करने वाला हूँ। और गाइस इसको तो सबसे पहले पैसे को रख देते, नहीं तो ये आ जाएगा उसको मारने के लिए। इसको गाइस मैं अभी टेम करूँगा, मेरे पास 29 ट्रैंक एरोज है, तो गाइस मैं इसको आराम से टेम कर पाऊँगा। अरे यार वेस्ट हो गई, कोई नहीं गाइस ये बहुत स्लो रहते हैं तो इनको मैं आराम से टेम कर सकता हूँ, इसमें इतना कुछ नहीं है गाइस। लेकिन मतलब इसके सैडल के लिए गाइस हम लोगों को मेटल लगते है। फंस गया क्या? अच्छा है फंस गया होगा तो चलो अच्छा है। ये भाग रहा है भाग रहा है, चलो अच्छा है। ये भी गाइस बेरीज ही खाता है, ज़्यादा कुछ नहीं खाता, इसके हेड पे मारता हूँ, जल्दी नॉक हो जाएगा ये। और गाइस मैंने इसको बहुत सारे ट्रैंकर्स मार दिए, तो गाइस ये देखो ये भाग रहा है अभी मेरे से। नॉक हो जा नॉक हो जा, अनकॉन्शियस हो जा, नीचे मत गिर नीचे मत गिर नीचे मत गिर। आया गाइस मेरे को मारने के लिए वापस, लेकिन कोई नहीं गाइस अब मैं इससे नहीं हारने वाला। अरे यार 10 ही ट्रैंकर्स बचे, होने वाला था यार। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हेड पे ही मारने का है गाइस ये तीन इसके। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा गाइस हो जाएगा हो जाएगा। अरे अरे यार दो ही बचे ले, हो ना जाना चाहिए हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए। अरे नहीं एक बचा एक बचा एक और बचा एक और बचा, नहीं हुआ यार शिट, मेरे ट्रैंक एरोज वेस्ट हो गए। उड़ जल्दी, एक तो गाइस मेरे पास स्पाई ग्लास भी नहीं है ना, जिससे मैं इसका टॉर्क और देख सकूँ कितना हुआ है। गाइस मैं वापस आऊँगा, गाइस मैं अभी सब ट्रैंक एरोज ब्रिंक एरोज बना के मतलब आता हूँ मैं वापस अभी, जस्ट आप थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अभी आऊँगा। और गाइस मैं वापस आ गया हूँ इसको टेम करने के लिए। और गाइस इसका मेरे ऊपर से एग्रो भी हट गया है, तो वो बात बहुत ही अच्छी है। चलो अभी इसको मारते हैं गाइस, क्योंकि इसको मेरे को अभी टेम करने का ही करने का है, हर हालत में इसको टेम करने का है। इसका अनकॉन्शियस लेवल भी गाइस कम हो गया होगा, ये अटक गया लगता है गाइस। चलो अच्छा है। और गाइस मैंने थोड़े से और ट्रैंक एरोज भी बना, हो गया गाइस हो गया, चलो अच्छा है हो गया। कह रहे तेरे पास पेंटाडोन कुछ बेरीज बेरीज है, तो गाइस ये इधर है, ये मेरे को ये जगह बहुत अच्छी तरह से याद है गाइस। मैं गाइस अभी ये बेरीज बुरीज लेके आता हूँ सब गाइस, फिर हम लोग इसको टेम करेंगे, मेरे लेवल्स बाद में बढ़ा लेने गाइस इसको। चलो और गाइस हाँ मैं तो आपको बता नहीं भूल गया कि इसको कैसे कंट्रोल करते, मतलब इसको अगर आप नीचे ऐसे स्वाइप करोगे तो ये नीचे आएगा, और अगर मैं ऐसे इसको ऊपर स्वाइप करूँगा तो गाइस ये उड़ेगा। और गाइस रोल डाउन अटैक के लिए एक फंक्शन रहता है सेटिंग्स में, उसको गाइस आपको ऑन करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। और गाइस उसको इनेबल करने के बाद फिर आपको, अरे यार क्या हो गया ये, हाँ फिर आपको गाइस दोनों हाथों से अपने कौन से भी साइड में आप कर सकते हो स्वाइप। फिर मेरा घर किधर है सबसे पहले, तो उधर से गाइस मैं बेरीज बुरीज लेके आता हूँ जल्दी से।
ये रहा गाइस मेरा लियोंगोडॉन लुवांगोडॉन, ठीक है रे तेरे पास पैरेसॉर के फर्स्ट तो भाई तो बहुत है। अजुल बेरीज में गाइस जल्दी हो जाता है ये टेम, मेरे को पता है उतना तो। नार्को बेरीज रख के रखता हूँ, थोड़ा सा मतलब काम आएगा, अनकॉन्शियस उसका लेवल घटा तो गाइस नार्को बेरीज से भी हम लोग अनकॉन्शियस लेवल इसका घटा सकते हैं, तो जल्दी से जाते हैं अभी हम लोग। देखो गाइस ये रोल डाउन अटैक करता है था, चल जल्दी यार। इसकी मूवमेंट स्पीड गाइस मेरे को एकदम अच्छी खासी बढ़ाने की है, क्योंकि गाइस इसकी मूवमेंट स्पीड में बहुत कच्चा ही है। अरे यार शिट भाई साहब, 10 लेवल का इधर गाइस रेक्स स्पॉन हो गए, और गाइस इससे तो पंगा लेना मतलब खतरनाक होने वाला है गाइस, इसको इधर लाने नहीं देने का। अरे यार बहुत नजदीक है यार ये दोनों तो। कोई नहीं गाइस चलो एक कम कर लेते हैं यार, जल्दी से डेमो जाए, नहीं तो ये रेक्स क्या इसको मार देगा ना गाइस, ये रेक्स इसको मार देगा, इसलिए गाइस मेरे को मजबूरन ये लेना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैं इसको जल्दी से खिला देता हूँ और इसको अजुल बेरीज दे देता हूँ, तो ये जल्दी हो जाएगा टेम। और देखो पाइक की है, देखो ये काम आता है पाइक, किधर है 120 लेवल का ये फुल मुरक स्कॉर्पियन। क्या रे आप क्यों भाग रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, नहीं क्यों भाग रहे हैं, अभी भिड़ना मेरे से। अरे भाई टेम हो गया वो, टेम हो गया, टेम हो गया, टेम हो गया, उस स्कॉर्पियन को जाने दो गाइस, तू भाई इधर ही रहे, और भाई उस रेक से तू पंगा मत लेना, सच बोल रहा हूँ, इधर ही हो, इधर ही रहना रेक, तो इधर गया हो रेक्स, इधर ही था ना, ऊपर होगा, ऊपर है ना, इधर गया हो भाई, इधर ही तो था ना, अभी डर गया लगता है। ये रहा यही है क्या 10 लेवल का, तो पहला यही चे भागो यार, टेलीपोर्ट मार देते गए थे हम लोग अपने डोडिक्रथ को। किधर गया मेरा डोडिक्रथ, आज 70 लेवल का, देखो अच्छा खासा लेवल का हो गया गाइस, तो चलो गाइस 70 लेवल का डोडिक्रथ यार बहुत अच्छा लेवल का है ये। और यार ये एक्सप्लोरर नोट है ना, हाँ चलो इसको ओपन कर देते गाइस हम लोग। ओ भाई साहब चलो कोई नहीं कोई नहीं गाइस, क्या आपको आवाज आ रही है क्या आर्क की? अच्छा कुछ ग्लिच था क्या उधर, इसलिए आवाज नहीं, अब आ रही होगी ना। हाँ गाइस आर्क मोबाइल में बहुत सारे ग्लिचेस होते रहते, कुछ नहीं उसका। और गाइस ये हमारा बेड इधर ही है, और गाइस मैंने अपने बेड के चारों ओर मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बेस बना लिया, घर बना लिया वैसे ही। और गाइस हमारा डोडिक्रस इधर आ जाएगा अभी, और गाइस ये इंकाइलो जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में टेम किया था हमारा, तब तक अरे गाइस हमारे, ओ भाई साहब 8 लेवल, चलो अच्छे थोड़ी सी गाइस हम लोग वेट पे लगाए गए, हेल्थ पे लगाए गए, मोमेंट स्पीड में और एक स्टेमिना में लगा देते। ओ भाई साहब चलो अच्छा है, कोई नहीं गाइस स्टिमुलेंट हम लोग खोल देते हैं स्टिमुलेंट। और गाइस मैं डोडिक्रस को क्यूट, देखो गाइस आ गया, इसकी सैडल भी बनती होगी ना, हाँ है इसकी सैडल है मेरे को पता है, डी से नाम ही नहीं इस पर, रुको इसको सर्च मारने दो, डोडिक्रस इसकी, इसको गाइस मैं क्यों टेम कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस इससे हम लोग स्टोन, स्टोन ये बहुत जल्दी हम लोगों को दे देता है गाइस। इधर भी कोई ग्लिच चल रहा है लगता है, आवाज नहीं आ रही, इसका नाम क्या है, डोडिक्रस है, स्टोन बहुत गाइस ये अच्छा खासा बना लेता है, और स्टोन गाइस मेरे को उसके लिए लगने वाला है बेस के लिए, इसलिए गाइस मैं इसको टेम कर रहा हूँ। ये रहा गाइस, नहीं है ये रहा डोडिक्रस भी, पहला स्मिति पे बनेगी गाइस ये, मेरे को इन्होंने बता दिया यही दे रही स्मिति, सैड नहीं तो स्ट्रक्चर गाइस इसके लिए। देखो मेरे को ये दो चाहिए ना इसके लिए गाइस, देखो स्टोन देखो 900 400 इतने इतने लगेंगे, और गाइस क्या है ना वो बहुत अच्छी तरीके से स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए गाइस मेरे को 5 मेटल इंगट लगेंगे, चलो गाइस कुछ नहीं ये तो हो ही जाएगा। अरे मेरा रिफ्रेंजिंग पोस्ट कहाँ से हट गया, चलो कोई नहीं गई, मैं आपको ये सब इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने के बाद ही मिलता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ इन सारे के सारे चीज़ों को लेके, और गाइस मैं थोड़ा सा आयरन स्मेल्ट करने के लिए लग रख देता हूँ, मतलब थोड़ा सा मेरे को लगेगा,
और गाइस ये रहा हम लोग ने स्मेल करने के लिए रख दिया। और गाइस ये जो मैंने चीज़ बनाई है ना, ये है गाइस प्रिजर्विंग बिन। तो गाइस इस प्रिजर्विंग बिन का काम क्या है कि गाइस अभी देखो जो मेरे हनी है ना गाइस, वो एकदम बुरी तरह से मतलब स्मेल्ट होने के लिए मतलब एकदम बुरी तरह से ख़राब हो रहे हैं, और वो गाइस बहुत ही ख़राब बात है। तो गाइस मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके लिए, तो इसलिए गाइस इससे इसमें गाइस मैं वो हनी रखूँगा। और गाइस उसको ये देखो गाइस हमारा यूनिकॉर्न का अब तक 105 एम्बर, भाई साहब एम्बर बचा के रखनी पड़ेगी। जो गाइस ये हमारा जो स्पार्क पाउडर है गाइस ये बनता है उससे, और गाइस फिर हमारा स्पार्क पाउडर हम लोगों को इसमें डालना पड़ता है, और फिर गाइस जो हमारा हनी है वो मतलब लंबे समय तक और चलेगा, इतने जल्दी वो ख़राब नहीं होने वाला। तो गाइस मैं इसमें से जो जैसे सब जल्दी निकल, देखो वो गाइस मेरे इन्वेंट्री में आ गया, तो कैसा हो गया देखो, मेरे को एकदम फास्ट फास्ट जाना पड़ेगा गाइस, इसमें रहेगा ना। हाँ स्पार्क पाउडर देखो गाइस बहुत सारा बन चुका है, और गाइस जल्दी 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 मेरा हनी जा रहा है। ये देखो गाइस देखा, अब ये गाइस ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होएगा। और गाइस हमारा मेटल भी बन गया, क्या 5 मेटल चाहिए गाइस हम लोगों को उसके लिए, और क्या क्या चाहिए उसके लिए सैडल के लिए, और क्या क्या चाहिए देखने तो जरा मेरे को, 200 हाइड, 200 फाइबर, चलो गाइस ये सब तो है मेरे पास, इसकी गाइस कोई टेंशन तो। और गाइस यार ये कब बनेगा यार आयरन स्मेल, कब होएगा? अरे और मिल गए गाइस, इसको मेरे को ज़्यादा देर तक टिकाना है हनी को, तो गाइस मैं रख देता हूँ। आयरन स्मेल्ट हो गया क्या? 5 आयरन, हाँ गाइस देखो 6 आयरन बन चुके हैं। और गाइस हम लोग अब बना सकते हैं हमारे डोडी क्रश की सैडल, तो गाइस देखो मैंने इंग्रेडिएंट भी और ये ऊपर सबसे, और गाइस ये रही हमारी डोडी क्रश की जो सैडल है वो गाइस बन चुकी है, बन 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 बन, जल्दी बन जल्दी बन जल्दी बन जल्दी बन। और गाइस ये हमारी सैडल बन चुकी है, और गाइस ये रहा हमारा डोडी क्रश, इसको गाइस हम लोग ये सैडल पहना देते हैं। और गाइस देखते, ओ भाई साहब, अरे क्या, अरे भाई साहब ये तो उसका रोल वाला अटैक है वो। तो गाइस हम लोग अभी देखते कि ये स्टोन्स कैसा कलेक्ट करता है। अब गाइस मेरे को ये रॉक तोड़ने का है, ओ भाई साहब अच्छा खासा स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसलिए गाइस मैं इसको टेम करना चाहता था इतने देर से, क्योंकि गाइस ये बहुत ही खतरनाक है गाइस, जो डोडी क्रस है अपना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है डोडी क्रस। देखो गाइस अब मैं इसको ऐसा स्पिन कर, ये गाइस मेरा ये सबसे अटैक जो है ना, ये वाला गाइस मेरा अटैक सब मेरे को ये बहुत पसंद है। और गाइस जो डोडो है गाइस जो सबसे नॉर्मल थिंग है डोडो, वो मैंने गाइस अब तक टेम नहीं की, फर्स्ट पर्सन में जा रहे जरा, रुको जरा ये होने दो, फर्स्ट पर्सन में जा रहे जरा। हाँ तो गाइस मेरे को एक डोडो टेम करना पड़ेगा यार, चलो तू आ जा गाइस, ये टेम हो जाएगा 10 लेवल का, इसके लिए मैं वो इतना सारा नहीं वेस्ट करूँगा 45 एम्बर का। गाइस ये सिर्फ मैं हाई हाई लेवल के लिए, और गाइस जो मेरा मतलब डायनासोर जब तक स्पॉन होते हैं ना वो गाइस रेट है यार 140 तक डायनासोर स्पॉन होते हैं, उतना रेट है गाइस। और ये गाइस यार ये अटैक तो भाई साहब मेरा बहुत अच्छा अटैक है यार, ओ भाई थैश भी अच्छी तरह से कलेक्ट कर लेता है ये, चलो कोई नहीं कोई नहीं। और गाइस ये बहुत ज़्यादा वेट उठा लेता है, तो इसकी भी गाइस मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बेरीज कलेक्ट करता है क्या? बेरीज बेरीज बुरीज तो कलेक्ट करता है, अच्छा नहीं करता, चलो कोई नहीं कोई नहीं। मेरा डोडोडा टेम हो गया क्या? नहीं हुआ गाइस अपने को मेरा डोडोडा टेम, नहीं गाइस ये बेरीज कलेक्ट नहीं करता। डोडो 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 टेम हो जा, की लेवल भी बढ़ गई ना, तो गाइस इसका जो लेवल है गाइस मैं वेट में लगाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि इसकी, अरे गाइस टीम भी हो गया हमारा डोडो, क्या बस 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 हो गया, बस हो गया। ये कैसे हम क्रिएचर्स आ रहे? हाँ ये तो मेरे को पता है ऐसे उठाने का, और गाइस मैं इसको अपने हाथ पे रख के ऐसे राइड भी कर सकता हूँ, चलो अच्छे। तो गाइस मेरे को तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक अगली नेक्स्ट ऐसी धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे सब मत आओ, संभाल लूंगा, देखा इनका ही लोया, रुको रुको इन सबको गाइस मेरे को अपने सही ठिकाने पर लगाने दो, उसके बाद गाइस हम लोग वीडियो एंड करेंगे, ऐसे गाइस हम लोग ये वीडियो एंड नहीं कर सकते। हमारा डोडोडा को इधर रखो, और भाई साहब तू हो जा ऑल स्टॉप पे, सिर्फ तू मेरे को फॉलो कर ले, और
आजा 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 आजा। अब ये पूरा घूम के आएगा यार, जल्दी आ रहे, वीडियो भी एंड करने की। और थोड़ा अंदर जाना, आजा 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 आजा, और आजा, और बस। तो गाइस मैं आपको तो अपना घर दिखाने भूल गया। हाँ गाइस, ये ज़्यादा बड़ा घर नहीं है गाइस, ये देखो अंदर जाने का सिर्फ एक बेड लगे ले। तो गाइस मैं इधर ही इस घर में जाके अपना वीडियो एंड करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली नेक्स्ट ऐसी धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।